नमस्कार, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आजकल हम CLIS की ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो कोर्स है BLI-011, उसका फर्स्ट ब्लॉक खत्म हो चुका है। आज से हम इसके सेकंड ब्लॉक को स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड ब्लॉक की फिफ्थ यूनिट की काउंसलिंग बाद में की जाएगी। आज मैं इसकी सिक्स्थ यूनिट के बारे में आपको बताऊंगी। जो ये सिक्स्थ यूनिट है वो है फिजिकल प्रोसेसिंग। फिजिकल प्रोसेसिंग का मतलब होता है भौतिक प्रक्रियाकरण या प्रक्रमण। इसको भौतिक प्रक्रियाकरण क्यों कहा जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं और पुस्तकालयों में इसकी क्या आवश्यकता है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो आपको पहले भी बताया गया है कि लाइब्रेरी में कई सारी तरह के सेक्शंस होते हैं, जैसे एक्विजिशन सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन, मेंटेनेंस सेक्शन। ये जो फिजिकल प्रोसेसिंग का वर्क है, ये टेक्निकल सेक्शन में किया जाता है। टेक्निकल सेक्शन में दो तरह के कार्य किए जाते हैं, एक तो फिजिकल प्रोसेसिंग यानी कि उनका भौतिक प्रक्रियाकरण, और दूसरा टेक्निकल प्रोसेसिंग जो कि उनके कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन से संबंधित होती है। तो इसमें पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि हम फिजिकल प्रोसेसिंग क्यों करते हैं लाइब्रेरी में, और फिजिकल प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य होता है। फिजिकल प्रोसेसिंग इसलिए की जाती है कि जो बुक हमने लाइब्रेरी में मंगाई है, खरीदी है, उसको हम शेल्फ पर रखने लायक बना सके, इसके लिए उसकी प्रोसेसिंग या उसका प्रक्रियाकरण किया जाता है। फिजिकल प्रोसेसिंग से जो बुक है उस बुक की लाइफ को बढ़ाने का भी काम किया जाता है। फिजिकल प्रोसेसिंग जो हमारी पेपर बैक बुक्स हैं उनके लिए ज़्यादा आवश्यक होती है। आपको जैसे मैं एक ये बुक दिखाना चाहूँगी, एक ये जो बुक है ये पेपर बैक है। देखिए इसका जो ये कवर है, इस तरह की बाइंडिंग को पेपर बैक बाइंडिंग कहा जाता है। और जो दूसरी बुक हमारे पास है ये हार्ड बाउंड कवर है। इस तरह की बाइंडिंग को हार्ड बाइंडिंग कहा जाता है या हार्ड बाउंड कवर कहा जाता है। और आपने देखा कि इस बुक के ऊपर एक इस तरह का फ्लैप लगा हुआ है, इसको हम बुक जैकेट कहते हैं। ये हमारी बुक की बाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। तो इस तरह से लाइब्रेरी में जनरली दो तरह की पुस्तकें आती हैं, एक तो हार्ड बाउंड बुक्स और दूसरा पेपर बैक बुक्स। तो फिजिकल प्रोसेसिंग के दौरान हम इन सारी तरह की बुक्स की प्रोसेसिंग करते हैं। हार्ड बाउंड बुक्स में अगर जैकेट है तो बहुत अच्छा है, अगर पेपर बैक है तो उसमें हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम एक एक करके इसके चरणों के बारे में देखेंगे कि फिजिकल प्रोसेसिंग जो भौतिक प्रक्रमण है उसके कौन कौन से चरण होते हैं। इसमें जो पहला स्टेप है वो है इंस्पेक्शन करना। कोई भी बुक जब लाइब्रेरी में आती है तो हम उसका इंस्पेक्शन या निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण क्यों करते हैं, क्योंकि उस बुक में कुछ पेजेस ऐसे हो सकते हैं जो प्रॉपरली कट ना हुए हों, इनको अनकट पेजेस कहा जाता है। उस बुक में और कोई त्रुटि तो नहीं है, मिसप्रिंटिंग नहीं है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम उस बुक का इंस्पेक्शन करते हैं। ये हमारी फिजिकल प्रोसेसिंग का सबसे पहला कार्य होता है, जैसा कि आपको आपकी स्लाइड में भी दिखाई दे रहा है। इंस्पेक्शन करने के बाद पुस्तक को हम उसकी जो बाइंडिंग है, अगर पेपर बैक बुक है तो उसकी बाइंडिंग को हम लूज करने का काम करते हैं, अदरवाइज इसके जो पेजेस हैं वो फट जाते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, जो हमारी बुक है उसको किसी फ्लैट जगह पर रख कर उसको थंब से प्रेस किया जाता है, उसकी स्पाइन को इस तरह से, जिससे कि जो हमारी बाइंडिंग है वो थोड़ी सी लूज हो जाए, और इस बुक को जब बार बार खोला जाएगा हमारे यूजर्स के द्वारा तो इसके पेज खराब ना हो।
इसके अलावा अगर जो बुक है उसकी बाइंडिंग पेपरबैक में है तो उस तरह की बुक में हम कवर भी लगाते हैं। एक सेलोफेन पेपर करके आता है, उस तरह के पेपर की कवरिंग हम अपने पेपर बैक बुक्स पर करते हैं, जिससे कि जो उनकी शेल्फ लाइफ है, मतलब जितनी दिन वो लाइब्रेरी में यूज हो सके उन पुस्तकों की अवधि बढ़ जाए, उनका यूजर ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। तो इसमें मैंने आपको बताया, एक तो उसकी बाइंडिंग को आपको लूज करना है, जो अनकट पेजेस हैं उनको अलग करना है, और अगर पेपर बैक में है तो उसका सुदृढ़ीकरण करना है। ये सारी प्रक्रियाएं हमारी फर्स्ट स्टेप में की जाती हैं। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, जो कि मैंने आपको बताया इसकी कवरिंग की जाती है, रीइन्फोर्समेंट कहा जाता है जिसको, और उसके बाद इसे लाइब्रेरी की आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब लाइब्रेरी की ये बुक है, इसमें जगह जगह पर लाइब्रेरी के जो लेवल्स हैं, स्टैम्प्स हैं, वो लगाए जाते हैं। तो एक आइडेंटिफिकेशन बनाई जाती है, एक पहचान बनाई जाती है, जिससे कि हम ये जान सकें कि जो ये बुक है वो लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी है। इस पे बुक के स्टैम्प लगाए जाते हैं। जनरली जो बुक का फर्स्ट पेज है, कवर पेज जिसको हम बोलते हैं, इस पे लाइब्रेरी का स्टैम्प लगाया जाता है, और जो लास्ट पेज होता है इस पे लाइब्रेरी का स्टैम्प लगाया जाता है, और लाइब्रेरी की जो पॉलिसी है उसके अनुसार लाइब्रेरी की जो एक सीक्रेट पेज है उस पे भी लाइब्रेरी का स्टैम्प लगाया जाता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं जो हर बुक को दिए जाते हैं। इसके बाद बुक की लेबलिंग की जाती है। बुक की लेबलिंग उस बुक को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस बुक को शेल्फ पे रखने के लिए अति आवश्यक होती है। इसके बाद बुक को हम सर्कुलेशन के लिए, जिससे कि वो इश्यू और रिटर्न हो सके, तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में हम बुक में एक बुक पॉकेट लगाते हैं, एक पुस्तक की पॉकेट जैसी होती है, जैसा कि आप इस बुक में देखिएगा, ये एक बुक पॉकेट लगी हुई है, इसको बुक पॉकेट कहा जाता है। ये फिजिकल प्रोसेसिंग के दौरान ही इस बुक में पेस्ट की जाती है। इसके साथ साथ एक ड्यू डेट स्लिप होती है, आप ये देखेंगे इस वाले पेज पर एक ड्यू डेट स्लिप लगी हुई है। ये स्लिप बुक में इसलिए लगाई जाती है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि ये बुक हमें कितने दिन के लिए इशू की गई है और इसे लाइब्रेरी में कब वापस करना है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो बुक पॉकेट है और ड्यू डेट स्लिप है, इनको जो हमारे सर्कुलेशन मेथड्स हैं, हम ब्राउनी या निवाक मेथड यूज करते हैं, उसके अनुसार हम इनका निर्धारण करते हैं कि हमारी बुक पॉकेट और ड्यू डेट स्लिप किस तरह की और कितने साइज की होगी। इसमें एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको, वो है बुक कार्ड के बारे में। देखिएगा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देखिएगा, इस तरह की बुक पॉकेट होती है, अगर आपको देखना हो, ये बुक कार्ड है। अभी मैंने आपको बुक पॉकेट और ड्यू डेट स्लिप तो बुक में दिखाई, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बुक कार्ड बुक में लगा हुआ क्यों नहीं दिखाया। आप जैसा कि जानते हैं, ये बुक मैंने लाइब्रेरी से इशू कराई है, और जब आप लाइब्रेरी से बुक इशू कराते हैं तो जब तक लाइब्रेरी में बुक रहेगी वो बुक कार्ड इस बुक पॉकेट में रखा हुआ होगा, और जब किसी यूजर को वो बुक इशू कर दी जाएगी तो उस कार्ड पर यूजर का नाम लिखकर उसे लाइब्रेरी में रख लिया जाएगा, और जो ये बुक है ये यूजर को दे दी जाएगी। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, ये इस तरह का एक बुक कार्ड होता है। इस बुक कार्ड में सबसे ऊपर एक्सेशन नंबर लिखा होता है, उस बुक का क्लास नंबर लिखा होता है, ऑथर होता है, टाइटल होता है बुक का, जिससे कि उस बुक की पहचान हो सके, वो बुक किस दिन ड्यू है, बोरोअर का नाम और सिग्नेचर, और कब उसे ये बुक रिटर्न करनी है। ये सारी चीजें जो लाइब्रेरी स्टाफ है वो बुक कार्ड पर अंकित करके इस बुक कार्ड को वापस लाइब्रेरी में रख लेता है और बुक यूजर को दे दी जाती है। ड्यू डेट स्लिप आपने अभी बुक में भी लगी हुई देखी, और ये ड्यू डेट स्लिप अब आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। इस तरह की ड्यू डेट स्लिप होती है, इसमें भी उसी तरह से ऑथर का नाम होता है, टाइटल होता है, एक्सेशन नंबर होता है, कॉल नंबर होता है,
और एक लाइब्रेरी के हिसाब से स्टैंप लगा दिया जाता है कि जो ये बुक है वो कब रिटर्न करनी है यूजर को, इसको ड्यू डेट स्टैंप कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे जो हमारा ये फिजिकल प्रोसेसिंग का वर्क है, इसमें पहले हमने बुक को इंस्पेक्ट किया, उसका निरीक्षण किया कि बुक में कहीं कोई कटे फटे पेजेस तो नहीं है, अनकट पेजेस तो नहीं है। अनकट पेजेस होंगे तो उनको लाइब्रेरी स्टाफ को एक स्केल की सहायता से अलग करना होगा। उसके बाद लाइब्रेरी की बुक में जगह जगह पर जो है वो लेबलिंग करनी होगी, स्टैंपिंग करनी होगी। और उसके बाद इस बुक में जो आपका बुक पॉकेट है, बुक कार्ड है और ड्यू डेट स्लिप है वो लगानी होगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, जो एक लेवल हमें लगाना होता है। देखिएगा आप इस बुक को, इस बुक की ये जो पोर्शन होता है इसको इस बुक की स्पाइन कहते हैं, हिंदी में इसको पीठिका कहा जाता है। इस बुक की स्पाइन पे अगर आप देख रहे होंगे तो नीचे की तरफ एक छोटा सा टैग लगा हुआ है, लेवल लगा हुआ है। इस लेवल पे बुक का जो कॉल नंबर है, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर, वो लिखा जाता है, जिसकी सहायता से इस बुक को जो शेल्फ है हमारे उन पर अरेंज किया जाता है। तो ये लेबल लगाने का काम भी फिजिकल प्रोसेसिंग के दौरान ही किया जाता है। इस तरह का एक छोटा सा टैग या लेबल बुक पे लगाया जाता है और उस पर जो क्लास नंबर है और बुक नंबर है, जिसको हम मिलाकर कॉल नंबर कहते हैं, उसको अंकित किया जाता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर जो आपकी लाइब्रेरी है वो कंप्यूटराइज्ड या ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है, तो इस तरह के बुक लेवल के साथ साथ जो बुक है उसमें बारकोड्स भी लगाए जाते हैं, और आजकल जो ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज हैं उनमें RFID टैग्स भी लगाए जाते हैं। ये एक तरह की चिप है जिसको लाइब्रेरी में बुक के कवर पेज पर चिपका दिया जाता है, जिससे कि ऑटोमेटिकली उस बुक की इंफॉर्मेशन जो उससे अटैच सिस्टम है वहां से रिट्रीव की जा सकती है। बारकोड एक तरह का, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, एक तरह का कोड होता है, एक तरह के बार्स होते हैं जिनमें उस बुक की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। जैसे कि हम आप सभी लोग सुपर बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें बार्स बने रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस बुक पर भी एक बारकोड बना हुआ है, लाइब्रेरी वाला बारकोड नहीं है लेकिन इस तरह के बार्स बने रहते हैं। उन बार्स में उस बुक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये बारकोड टैग्स लाइब्रेरी जनरेट करती है और उसको बुक में लगा दिया जाता है। और जब बुक को इश्यू या रिटर्न करना होता है तो एक बारकोड रीडर है जिसकी सहायता से इस बुक की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो लाइब्रेरी स्टाफ रीड करके उस बुक को इश्यू या रिटर्न कर देते हैं। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हमें इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो हमारी फिजिकल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है उसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो एक तो हमको चाहिए है, उसको कहते हैं सेलोफेन पेपर, एक तरह का ये कागज होता है, पतला सा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कागज होता है। ये हम बुक्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आपको बताया, जो पेपर कवर वाली बुक्स है उन बुक्स को रीइन्फोर्स करने के लिए उस पर ये सेलोफेन पेपर लगाया जाता है। तो फिजिकल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में एक तो सेलोफेन पेपर की आपको जरूरत होगी। दूसरा आपको बताया जो लाइब्रेरी के लेवल्स हैं, जैसा कि आपने एक ये लेवल स्पाइन पे लगा देखा, और इसी तरह के लाइब्रेरी के जो बाकी लेवल्स हैं जिससे कि लाइब्रेरी की जो ओनरशिप है हम वो दर्शाते हैं, उस तरह के लेवल्स भी बुक्स पर लगाए जाते हैं। तो इनकी भी आवश्यकता लाइब्रेरी स्टाफ को फिजिकल प्रोसेसिंग के दौरान होगी। इसके अलावा लाइब्रेरी का जो स्टैंप है वो बनाया जाता है। ये लाइब्रेरी का स्टैंप मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये कवर पेज पर, बैक पेज पर और जो बुक का एक सीक्रेट पेज है उस पर लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ इंक पैड, जब आपको स्टैम्प चाहिए तो इंक पैड चाहिए होगा, ब्लू भी और रेड भी। जो मेन स्टैम्प्स हैं, जो लाइब्रेरी के ओनरशिप स्टैम्प्स हैं, वो ब्लू इंक में लगाए जाते हैं। और कई लाइब्रेरीज में ये पॉलिसी है कि जो आपका सीक्रेट पेज पर स्टैम्प लगाया जाता है वो रेड इंक में लगाया जाता है, जिस कारण से जो लाइब्रेरी स्टाफ है उसे
दोनों तरह की इंक, ब्लू इंक और रेड इंक पैड की भी जरूरत होती है। अब हम इसके बाद इन सारा जो भी हमने मटेरियल की बात की, जैसे कि बुक पॉकेट, ड्यू डेट स्लिप, बुक कार्ड और डिफरेंट टैग्स, इनके साइज की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपकी बुक पॉकेट है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, जनरली जो बुक पॉकेट का साइज है वो 3x2.5 का होता है या 5x3 का होता है। मैंने आपको बताया लाइब्रेरीज में दो सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम या निवार्क। इनमें से जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं उसके साइज, उसके अनुसार ये बुक पॉकेट का साइज निर्धारित किया जाएगा। लेकिन यही दो साइज होते हैं, 3x2.5 या 5x3। इसके बाद बुक कार्ड आ जाता है। जो हमारा बुक कार्ड है उसका साइज 2x2.5 या 2.5x4.5 होता है। ये बुक कार्ड, बुक पॉकेट मैंने देखा है जनरली लाइब्रेरीज येलो कलर में बनवाती हैं, जिसमें कि लाइब्रेरी के जो डिटेल्स हैं, जो लाइब्रेरी का नाम है वो भी अंकित किया जाता है, साथ में जो पुस्तक का एक्सेशन नंबर है, उसका टाइटल है, ऑथर है, इस तरह के डिस्क्रिप्शन भी उन पर छापे हुए होते हैं। इसके बाद हमें बुक टैग्स की जरूरत होती है, बुक लेवल्स की जरूरत होती है, स्पाइन लेवल्स की जरूरत होती है, जिनका साइज जनरली डायमीटर में 1.25 डायमीटर्स होता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे टैग्स हैं, बुक टैग्स बोलते हैं जिनको, बुक लेवल बोलते हैं, स्पाइन लेवल बोलते हैं, ये 1.25 डायमीटर के होते हैं। तो ये जो सारा मटेरियल है इसकी सहायता से हम फिजिकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये सारा कार्य टेक्निकल सेक्शन में होता है। टेक्निकल सेक्शन में फिजिकल प्रोसेसिंग के साथ साथ टेक्निकल प्रोसेसिंग भी होती है, इसलिए इसको टेक्निकल सेक्शन कहा जाता है। तो ये जब सारी प्रक्रिया कर ली जाएगी, बुक को इस लायक बना दिया जाएगा कि उसमें सारे लाइब्रेरी के ओनरशिप मार्क्स लगा दिए जाएं, स्टैम्प्स लगा दिए जाएं, उसमें बुक पॉकेट लगा दिया जाए, बुक कार्ड लगा दिया जाए, ड्यू डेट स्लिप लगा दी जाए और सीक्रेट पेज पर स्टैम्प लगा दिए जाएं, और स्पाइन पर उसका जो क्लास नंबर और बुक नंबर है वो लिख दिया जाए और स्पाइन लेवल लगा दिया जाए। ये तभी होगा जब पहले उस बुक का क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो बुक की जो फिजिकल प्रोसेसिंग है, मतलब उसके बाकी काम करने के बाद उस बुक को क्लासिफायर को दे दिया जाता है। क्लासिफायर वो होता है जो बुक के क्लासिफिकेशन का काम करता है। तो वो उसको एक क्लास नंबर प्रदान करता है और बाद में जो हमारा लाइब्रेरी स्टाफ है उसने जो स्पाइन लेवल बनाए हैं उस स्पाइन लेवल पर वो उस बुक का क्लास नंबर और बुक नंबर अंकित कर देता है। अगर ये स्पाइन लेवल कागज के प्लेन पेपर के बनाए गए हैं तो आप देखेंगे कि इसके बाद ऊपर से इन स्पाइन लेवल्स को सुरक्षित रखने के लिए उस पर टेप भी लगा दिया जाता है। अन्यथा क्या होगा कि शेल्विंग में, बार बार इशू और रिटर्न में ये जो स्पाइन लेवल हैं ये खराब हो जाएंगे और इनके अरेंजमेंट में, बुक्स के अरेंजमेंट में परेशानी होगी। तो इसीलिए जो स्पाइन लेवल है उसके लिए एक अच्छे से कागज की क्वालिटी हमें रखनी चाहिए और उसके ऊपर टेप भी लगा देना चाहिए, जिससे कि उसमें किसी भी तरह की खराबी ना आ सके। हम इसके साथ साथ फिजिकल प्रोसेसिंग में बुक्स के रीइन्फोर्समेंट का भी कार्य करते हैं, उनकी बाइंडिंग को अच्छा बनाते हैं। अगर वो पेपरबैक वॉल्यूम्स हैं, मैप्स वगैरह जैसे लाइब्रेरी में आते हैं, आपको बता दूं तो उन मैप्स पे जहां जहां उनके फोल्ड्स हैं उनके पीछे भी सेलोफेन टेप लगा दिया जाता है कि जिससे कि वो उन जगह से जहां से फोल्ड्स हैं वो खराब ना हो। तो इन सारी तरह के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें अलग अलग तरह की फिजिकल प्रोसेसिंग करनी होती है, क्योंकि लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स ही नहीं आती हैं, इसके अलावा मैप्स भी आते हैं, ग्लोव्स भी आते हैं, कई सारी तरह के इंसाइक्लोपीडियाज वगैरह भी आते हैं, और आजकल तो लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल भी आता है जिसमें कि सीडीज और डीवीडीज भी होती हैं। उनके ऊपर भी लाइब्रेरी अपना मार्क्स लगाती है, उनको भी एक अरेंजमेंट में अरेंज करके रखती है। तो इस सेक्शन में
जो हमारा टेक्निकल सेक्शन है इसमें जो स्टाफ है उसको सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना आना चाहिए, जैसे कि जो सीडी और डीवीडी पे मार्कर से लिखा जाता है उनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि मार्कर की इंक ऐसी ना हो जैसे कि जो सीडी और डीवीडी है हमारी वो खराब हो जाए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए उनकी फिजिकल प्रोसेसिंग की जाती है। इस सेक्शन का जो दूसरा कार्य मैं आपको बताना चाहूंगी वो है टेक्निकल प्रोसेसिंग। टेक्निकल प्रोसेसिंग जिसमें मेनली क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का वर्क किया जाता है। अगर आप लोगों ने कल का सेशन देखा होगा तो हमने आपको डीडीसी के माध्यम से क्लास नंबर निकालने की प्रक्रिया बताई थी। तो जनरली जो लाइब्रेरीज हैं वो डीडीसी का उपयोग करती हैं और डीडीसी का उपयोग करते हुए जो हमारी बुक्स आई हैं उन बुक्स को क्लास नंबर देती हैं। अगर आप ये देखेंगे जो बुक मैं अपने साथ आपको दिखाने के लिए लाई हूँ इस पर भी यहाँ पर जो बुक का पहले क्लास नंबर लिखा हुआ है 025 और उसके नीचे जो ये बुक है हमारी उस बुक का बुक नंबर लिखा हुआ है। ये जो क्लास नंबर है ये डीडीसी को यूज करते हुए दिया हुआ है। जो प्रक्रिया हमने कल आपको बताई थी अगर आपको याद होगा कि जो लाइब्रेरी साइंस की बुक्स हैं वो 000 से जो हमारा सब डिविजन शुरू होता है जनरेलिया उसमें आती हैं, तो इसलिए इसका जो नंबर है वो 025 दिया गया है। आप दूसरी बुक भी इस तरह से देख सकते हैं, इसमें जो ये लेवल है वो स्पाइन पर ना लगाकर फ्रंट में लगाया गया है अगर आप इस बुक को देख पा रहे हैं, और इस लेवल पे ये जो हमारा क्लास नंबर और बुक नंबर है वो अंकित किया गया है। तो इस तरह से आप फिजिकल प्रोसेसिंग को तभी पूरा कर पाएंगे जब जो आपका क्लासिफायर है वो बुक को क्लासिफाई कर देगा, उसको एक क्लास नंबर प्रदान कर देगा। क्लास नंबर प्रदान करने के लिए जैसा कि कल आपको बताया गया था आपको उस सबसे पहले उस बुक का जो सब्जेक्ट है वो निर्धारित करना होता है। सब्जेक्ट निर्धारित करने के बाद उसको किस क्लास में रखना है ये डिसाइड करते हुए क्लास नंबर दिया जाता है। और इसी सेक्शन में जो बुक्स की कैटलॉगिंग है कैटलॉगिंग का काम भी किया जाता है। आपको पहले भी बता चुके हैं कैटलॉगिंग दोनों तरह से की जा सकती है। अगर लाइब्रेरी मैनुअल है तो कैटलॉग के लिए एक 5x3 का कार्ड बनाया जाएगा जिसमें उस बुक के सारे जो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स हैं जितने भी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स में जैसे कि ऑथर, टाइटल, पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इस तरह की सारी सूचना अंकित की जाती है। ये जो कैटलॉगिंग है ये सभी आपको आगे आने वाले जो सेशंस है उसमें बताई जाएगी। तो इस तरह के कार्ड्स बनाए जाते हैं। अगर लाइब्रेरी ऑटोमेटेड है तो उसमें एक ओपैक बनाया जाता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जो हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं LMS, उन LMS पर ये जो सारी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, मैन्युअली हम कार्ड में लिखते हैं और हमारा जो कैटलॉग है वो ओपैक फॉर्म में है तो हम इस तरह के डेटा की एंट्री अपने ओपैक में कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो बुक्स को अरेंज करने के लिए हमारे काम आता है। इसकी सहायता से हम शेल्स पर बुक्स का अरेंजमेंट कर देते हैं। लेकिन जो हमारा कैटलॉग है वो एक रिट्रीवल टूल है। कैटलॉग की सहायता से हमने कहाँ पर कौन सी पुस्तक रखी है ये हमारा यूजर सर्च कर सकता है। जनरली जो कैटलॉग कार्ड्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं और ऑथर या टाइटल या सब्जेक्ट के अनुसार यूजर लाइब्रेरी में अप्रोच करता है और इस अप्रोच के माध्यम से वो इन कैटलॉग कार्ड्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अनुसार ये निर्धारित कर सकता है कि उसकी जो बुक है वो लाइब्रेरी में कहाँ पर रखी गई है। तो इस तरह से अगर आप देखें जो हमारा टेक्निकल सेक्शन है जिसे हम तकनीकी विभाग कहते हैं उसमें तीन कार्य किए जाते हैं, फिजिकल प्रोसेसिंग, कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन। फिजिकल प्रोसेसिंग आपको बता दिया, फिजिकल प्रोसेसिंग में सारा का सारा जो हमारा फिजिकल वर्क है बुक को तैयार करना, बुक को इंस्पेक्ट करना, उसमें डिफरेंट लेवल्स लगाना और जहां जहां लाइब्रेरी के स्टैम्प है वो लगाना, ये सब आ जाता है। इसके साथ ही बुक का क्लासिफिकेशन किया जाता है,
उसकी कैटलॉगिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट के लिए किया जाता है और कैटलॉगिंग सर्चिंग के पर्पस से की जाती है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया हमारी जो हमारा फिजिकल प्रोसेसिंग का काम है वो टेक्निकल सेक्शन में संपन्न किया जाता है। तो ये सारा का सारा डिस्कशन आज हमने फिजिकल प्रोसेसिंग के बारे में किया। इसके बाद के सेशंस में हम आपको इसके साथ डीडीसी के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और रिमाइंड कराना चाहूँगी, इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट शाम को भी किया जाएगा, इस प्रोग्राम को आप शाम को भी देख सकते हैं। नमस्कार।